नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र भारती, फाउंडर डायरेक्टर भारतीय शेयर मार्केट इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि कौन सी वो तीन चीजें अगर वो हम लोग फॉलो नहीं करते तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में हम लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। दोस्तों, आज का इस मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैंने बहुत सारे 14 साल से मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में खुद ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ और शेयर मार्केट सिखाने का हमारा इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे लोग मिलते हैं दोस्तों और मैंने देखा कि बहुत सारे जो ट्रेडर है 95% ट्रेडर मार्केट में लॉस में है और खाली 5% ट्रेडर है जो मार्केट से पैसा बना रहे हैं, कि जो डिसिप्लिन फॉलो करके मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जो एक स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं, वही लोग मार्केट में पैसा बना रहे हैं। दोस्तों, तो वो कौन सी तीन चीजें जिसे अगर हम लोग नहीं करते तो हम लोग मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। उसमें से पहली चीज है दोस्तों, स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करना। मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर है मार्केट में, अगर उनको लॉस हो जाता है, अगर एक दो ट्रेड में अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट वापस ऊपर जाता है तो अगले बार जब वो ट्रेड करते हैं तो मार्केट में वो लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, और जब उस ट्रेड में उनको मार्केट नीचे जाता है, उनके अपोजिट जाता है, तो वो बोलते हैं चलो आज नहीं हमको प्रॉफिट हुआ तो कल होगा, और उस लॉस को वो कल के लिए कैरी करते हैं। अगले दिन मार्केट और नीचे ओपन होता है और नेक्स्ट डे उनको और उससे भी ज्यादा लॉस होता है, और एक तीसरे दिन वो बड़े लॉस में, बड़े इसमें मार्जिन खत्म होने के बाद फिर ट्रेड से एग्जिट होते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर लॉस में जाते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर अपने हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, इसलिए 99% ट्रेडर मार्केट में लॉस में जा रहे हैं। दोस्तों, मार्केट में लॉस में जाने का दूसरा एक बड़ा कारण है दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो। लोग क्या करते हैं, अगर उनको लॉस होता है तो लॉस के लिए लंबे टाइम के लिए रुकते हैं, और जिस टाइम पे उनको प्रॉफिट होता है तो बहुत छोटे प्रॉफिट में उतावलापन करके वो लोग ट्रेडिंग से, उस ट्रेड से बाहर निकलते हैं, छोटे प्रॉफिट में बाहर निकलते हैं और लॉस के लिए, बड़े लॉस के लिए रुकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब उनका स्टॉप लॉस बड़ा होता है और टारगेट छोटा होता है। वो स्टॉप लॉस के लिए पेशेंस रखते हैं लेकिन प्रॉफिट के लिए थोड़ा भी पेशेंस नहीं रखते हैं। दोस्तों, तो हमको यही करना है, हमको प्रॉफिट के लिए पेशेंस रखना है और हमको लॉस के लिए पेशेंस नहीं रखना है। कम लॉस में हमको तुरंत बाहर निकलना है, और जब हमको प्रॉफिट होता है उस टाइम हमको थोड़ा सा प्रॉफिट को राइड करना है, थोड़े से बड़े प्रॉफिट में हमको मार्केट से बाहर निकलना है। क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा, समझो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस का रेशियो, स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो हमारा 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर हमारा प्रॉफिट का रेशियो बड़ा होगा और स्टॉप लॉस छोटा होगा, अगर हमारा 50% भी स्ट्रेटजी का सक्सेस रेशियो आता है, ट्रेडिंग का 50% भी हम लोग ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाते हैं, आधे भी ट्रेड हमारे प्रॉफिट में आते हैं दोस्तों, तो भी नेट मंथ के एंड में हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसका दूसरा दोस्तों, ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होने का बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा, हम लोग कम प्रॉफिट में बाहर निकलते हैं। अगर समझो हम लोग किधर जर्नी में जा रहे हैं और हमारे अपोजिट गाड़ी जा रही है, लॉस में है हम लोग, तो हमको पहले स्टेशन पे ही गाड़ी से उतरना है। अगर लेकिन हमारे साथ में, हमारे कंटिन्यू, हमारे फ्लो में, हमारे डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, तो दोस्तों हमको कम से कम 2, 4, 5 स्टेशन उस गाड़ी में बैठे रहना है। मतलब बड़ा प्रॉफिट बुक करना है और छोटे लॉस में मार्केट से बाहर निकलना है। अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों, तो हम लोग ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर वो टॉपिक हम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग है जो लोग स्ट्रेटजी, एक डिसिप्लिन रख के मार्केट में स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते। दोस्तों, हमें अगर ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो हमको एक स्ट्रेटजी डिसिप्लिन रख के मार्केट में कम से कम 1 महीना तो हमको ट्रेडिंग करना है। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि इंदौर बैंगलोर के कॉल आते हैं, उनके एडवाइजरी पे कॉल करते हैं, या यूट्यूब पे देख के ट्रेड करते हैं, दोस्तों का सुन के ट्रेड करते हैं, या अपने मन से अंदाज से मार्केट में, अंदाजा करके मार्केट से ट्रेड लेते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हम करेंगे दोस्तों, तो जिंदगी में कभी भी ट्रेडिंग से हम लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते। ट्रेडिंग में अगर हमको प्रॉफिट बनाना है दोस्तों, तो हमारे लिए हमको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। भले अपना स्ट्रेटजी कितना भी सिंपल हो, चाहे वो 5-10 दिन का हम लोग मूविंग एवरेज यूज करते हो, या चाहे हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट फॉलो करते हो, या कोई एकादा टेक्निकल इंडिकेटर फॉलो करते हो, हमको क्या करना है दोस्तों, उस सिंपल स्ट्रेटजी को 1, 2, 4, 5, 6 महीने के लिए पिछला डेटा चेक करके उसे बैक टेस्टिंग करना है और उस स्ट्रेटजी को फुल प्रूफ बनाना है। चाहे सिंपल स्ट्रेटजी हो दोस्तों, सिंपल स्ट्रेटजी ही मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया नॉलेज, आगे क्या होगा, आगे क्या सीखना है, आगे क्या करना है, उनको लगता है कि बहुत बड़ा, बहुत कुछ टेक्निकल ज्यादा करेंगे तो ही मार्केट से प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। अगर सिंपल स्ट्रेटजी, हम लोग शेयर मार्केट में 70% नॉलेज को वैल्यू और 30% डिसिप्लिन को, सॉरी 30% नॉलेज को वैल्यू है और 70% डिसिप्लिन को। इसलिए दोस्तों, स्ट्रेटजी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको एक सिंपल स्ट्रेटजी से हमको क्या करना है, मार्केट में स्ट्रेटजी फॉलो करके हमको उस सिंपल स्ट्रेटजी पे काम करना है, और उसके लिए पहले हमको बैक टेस्टिंग करना है। और एक बार हमारा बैक टेस्टिंग हो जाता है उस स्ट्रेटजी का, तो डिसिप्लिन रख के कम से कम 1 महीना हमको उस स्ट्रेटजी से काम करना है। शुरुआत में थोड़े थोड़े ट्रेड लेने, छोटे क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में शुरुआत में उस स्ट्रेटजी पे काम करना है, और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग प्रॉफिट में बनाना चालू कर देंगे। दोस्तों, तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। अगर ये 3 चीजें हम लोग मार्केट में नहीं करते
तो ट्रेडिंग में हम लोग कभी भी पैसा नहीं बना सकते। दोस्तों हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं ट्रेडिंग, आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक ये चीज शेयर करो, ताकि मैं कम से कम समय में हमारे इंडिया में कम से कम 1 करोड़ लोगों तक ये शेयर मार्केट का नॉलेज है, जो आर्थिक साक्षरता है, ये साक्षरता में पहुंचाना चाहता हूँ दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।